हेलो दोस्तों, एक्सेल में बहुत लेंथी वर्क होता है, घंटों घंटों का काम भी होता है, मगर उसको अगर हम स्मार्ट, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वे से करें तो उसको बहुत इजीली कर सकते हो। सकता है उसी टाइम पे आप 2 घंटे लगा दो और वो काम मैं 2 मिनट में कर दूं। ऐसे भी यहाँ पे फार्मूले और शॉर्टकट्स और मेंटली मतलब उसको यूज़ करने के तरीके हैं, कैसे हम उनको यूज़ करना है, कैसे उसको मतलब हेल्प में लेना है, तो वो आज डिस्कस करेंगे। वी पेस्ट स्पेशल जो हम कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता ना, पेस्ट स्पेशल को यूज़ करके हम अपने घंटों का काम कुछ मिनटों में कैसे करना है, ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आई थिंक ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भी आपको होगी, आपको ज़रूर अप्रिशिएट करोगे इस वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेस्ट स्पेशल होता क्या है। जैसे नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे इस डाटा को मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी, ठीक है, यहाँ से कॉपी हो जाता है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल पेस्ट, वो डाटा वहाँ पे चला जाता है। मगर पेस्ट में पेस्ट स्पेशल और ये सारे वो सारे यहाँ पे एक साथ आ जाते हैं पेस्ट स्पेशल में, ठीक है, ये ऑप्शन भी होते हैं। इनका क्या बेनिफिट है, ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसमें जो ज़्यादा बारीकी मतलब ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होने वाले आपके, उसको पहले डिस्कस करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैथ का जो रिजल्ट है यहाँ पे है, और इसमें हमने ग्रेस देनी है 2 2 मार्क्स की सबको। तो 2 मार्क्स की है, इसकी 71 है, तो आप कितने करोगे 2 मार्क्स देके, इसको 73, 87 है, 89, तो इसमें सभी में दो दो जोड़ने पड़ेंगे। या फिर आप कहोगे जी इसमें फार्मूला लगा दो, इसमें +2 कर दो और इसको यहाँ पे ऐसे सभी के फार्मूला लगाओ और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसको नहीं यूज़ करना हमने। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कितने का ग्रेस करना है, कहीं भी यहाँ पे कर लो, ठीक है, इसको मैं करूँगा कॉपी, ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ 9 है। अगर 9000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हुआ तो मैं तो फार्मूला कॉपी मतलब पजल हो जाऊंगा। तो मेरे को कुछ नहीं करना, आपने 2 को कॉपी करना है, जिसको ग्रेस देना है उसको सेलेक्ट करना है, पेस्ट में जाके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड पे प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, ठीक है, ओके करने से पहले बता देता हूँ क्या होगा। मैंने 2 को पहले कॉपी किया, फिर इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में ऐड पे क्लिक कर दिया, ये 2 नंबर इन सभी में दो दो ऐड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप 2 देख लो, 83, 84 एंड 83, 86 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, बिल्कुल एरर नहीं आएगा, सभी में ऐड हो जाएगा। तो जो काम आपको मतलब काफ़ी टाइम लगना था फार्मूले यूज़ करके, तो आप इजीली कर लिया। तो यहीं पे मैं चाहता हूँ कि केमिस्ट्री के ज़्यादा मार्क्स हैं, इसमें हमने 5 नंबर को ग्रेस नहीं देनी, इनमें से शॉर्ट करने हैं, माइनस करने हैं, इनको 5 5 नंबर इनके कम करने हैं सभी के। तो यहाँ पे इस मैंने 5 को कॉपी किया, पहले इस सबको सेलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल, ठीक है, समझ में आ रहा है, उसको कॉपी सेलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इनमें से सबसे 5 5 माइनस हो जाएगा, तो 85 है ये, 78 रह जाएगा, 81 है ये, 76 रह जाएगा, क्लियर। तो ऐसे ही अगर आपको 2 नंबर को किसी से मतलब रेंज के ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा को भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। शॉर्ट डाटा है, इसको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। जैसे इसको मैंने इस डाटे से सपोज कीजिए मल्टीप्लाई करना है, तो सिलेक्ट करूँगा पेस्ट स्पेशल में जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 को सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर गलती से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसको दोबारा 2 से डिवाइड हो जाए, तो पेस्ट स्पेशल करूँगा। तो जिसको करना है पहले उसको कॉपी करना है, फिर पेस्ट स्पेशल में जाना है, फिर यहाँ पे डिवाइड पे क्लिक करो, देन ओके, दैट्स इट, आपका जो फार्मूला था मतलब जो डाटा था इजीली सेटलअप हो गया, ठीक है। तो इसको आप अपनी पर्सनल यूज़ में, अपने मतलब काम में लेके आओ, कैसे ना कैसे आपको दिमाग में रखना है। भी ऐसे भी हो जाता है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो उसको आप सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में यूज़ करो और ख़त्म करो। तो इसमें और भी ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल में जाके, तो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, ये तो सभी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो पेस्ट, जैसे मैंने ये डाटा कॉपी किया हुआ है, मैं यहाँ पे सीलवाइज करूँगा, पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा, पहले तो ये वाला ही करूँगा, फर्स्ट वाला पेस्ट ऑल से क्या होगा, सारा डाटा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को मैं दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कर देता वैल्यू तो ओनली अक्षर पेस्ट होते,
और अगर मैं यहाँ पे कर देता पेस्ट स्पेशल में जाके फॉर्मेट, यानी थर्ड ऑप्शन फॉर्मेट, तो क्या होता, ओनली कलर पेस्ट होता, ठीक है, ऑल ओनली वैल्यू और ओनली जो इसका फॉर्मेट है, कलर डिज़ाइन जो भी है बोल्ड अटैलिक वो पेस्ट होता। इसको भी यूज़ कर सकते हो, अगर सपोज करो इसका मैं चाहता हूँ ये इसका फॉर्मेट सेम टू सेम इसका हो पर वैल्यू ना हो, तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा इन सबको, ठीक है, इसका कलर करना ओनली ऐसे, तो यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट में देखो वहाँ पे परसेंटेज लगी है, तो यहाँ पे ये परसेंटेज की जरूर चेंजेज आएगी, ठीक है, तो फॉर्मेट ये चीज़ भी आती है, इसलिए दैट्स इट। तो सपोज कि यहाँ पे मैंने एक कमेंट लगाया हुआ राजन पे टॉप पर, तो मैं चाहता हूँ ये इसकी परसेंटेज के सामने भी ये कमेंट आए, कमेंट कैसे लगाते हैं वो रिव्यू में जाके लग जाता है, ठीक है। अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा मैं, यही कमेंट, कमेंट का मतलब जब भी इसके ऊपर आओगे तो ये लिखा आएगा, इस पर क्लिक नहीं होता ऐसे, ठीक है, बस लिखा आ जाएगा टेम्परेरी मैसेज। इसको मैं यहाँ पे भी पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं, तो मैं क्या करूँगा, पेस्ट स्पेशल कमेंट, कमेंट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी कमेंट आ रहा है, यहाँ पे कमेंट आ रहा है। उसके बाद है यहाँ पे मैंने एक डाटा वैल्यूएशन लगाई हुई है, यहाँ पे देखो मैं 44 भर रहा हूँ, उससे ज़्यादा वैल्यू भरूँगा तो ये डाटा वैलिडेशन आती है, भी आप रॉन्ग डाटा बोल रहे हो, भी इंग्लिश के मार्क्स हैं 0 से 100 के बीच रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे 79 है, इसको ज़्यादा बोल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगी हुई है आई थिंक, यहाँ यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये डाटा वैलिडेशन फिजिक्स पे भी लग जाए, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे लगी हुई है, यहीं पे लगाई थी मैंने, तो जितने एरिया में लगानी है सेलेक्ट करो, पेस्ट स्पेशल वैलिडेशन पे क्लिक करो, वो वैलिडेशन उस पर अप्लाई होएगी, अक्षर कुछ नहीं पेस्ट हुए, सिर्फ वैलिडेशन पेस्ट हुई है, ठीक है। तो ये एरर देगा, मतलब 0 से 100 तक के फिगर उठाएगा और कोई उठाएगा ही नहीं। तो ऐसे आप डाटा वैलिडेशन को भी एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी कर सकते हो, डाटा को भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है, ये पेस्ट स्पेशल में यूज़ होता है। उसके बाद जैसे सपोज करो मैं चाहता हूँ कि ये नेम ऐसे रो में लिखें, इसको कॉलम में लिखना है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको करेंगे हम ट्रांसपोज, ठीक है, ये न्यू है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ यहाँ पे नेम क्लास ऐसे लिखा जाए, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, पेज स्पेशल में जाऊँगा, ट्रांसपोज पे क्लिक करूँगा, सो ये सारी रो का डाटा ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पे, देखो तो हो गया, ठीक है, जो ये नेम था यहाँ पे आ गया, जो क्लास थी वो क्लास यहाँ पे आ गई। मतलब ऐसी भी सिचुएशन होती है जब हमें कॉलम का डाटा रो में करना होता है, इसको भी उठा के यहाँ पे मर्जी ले जाओ, ठीक है, कोई भी डाटा है, अगर रो का डाटा है जैसे ऐसे ये रो का डाटा, इसको कॉलम में करना है तो सिंपल कॉपी, सपोज इसके यहाँ पे करना चाहता हूँ, ठीक है, पेस्ट स्पेशल देन ट्रांसपोज, तो ये क्या होगा, ये जो हमने रो ये वाली सेलेक्ट की है, इसका यहाँ पे नीचे कॉलम में डाटा पेस्ट हो जाएगा। तो ये जो फीचर्स थे जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब हेल्पफुल हैं आपका, काफ़ी ज़्यादा टाइम जो आपने यूज़ करना था, मतलब कि इनको करो थोड़ा सा एक दो बार करके देखो, और सिचुएशन के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होने से बचा लेते हैं। तो इसमें एक दो ऑप्शन और भी हैं, तो जो उन पे इतना ज़्यादा वर्कआउट आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं बता देता हूँ, पेज स्पेशल में जाके जैसे आप चाहते हो कि ओनली मतलब सब कुछ पेस्ट हो जाए यहाँ पे करते हैं पर बॉर्डर ना पेस्ट हो, तो आप क्या करोगे, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, ठीक है, वो पेस्ट होएगा, बॉर्डर नहीं पेस्ट होगा। अगर आप चाहते हो जितनी कॉलम की विड्थ इसकी है उतनी इसकी हो जाए, ठीक है, तो कॉलम विड्थ भी कर सकते हो, जैसे मैंने सिंपल ये कर दिया विदाउट बॉर्डर, ये पेस्ट कर दिया, मैं चाहता हूँ कि इसकी बॉर्डर इसकी विड्थ इतनी है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, मैं चाहता हूँ इन सब की विड्थ उतनी हो जाए, पेस्ट स्पेशल कॉलम विड्थ, ओके। तो जैसे ये नॉर्मल मैंने स्टैंडर्ड रख ली, इसकी कॉलम विड्थ इतनी है, मैं चाहता हूँ सभी की विड्थ उतनी हो जाए जितने मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो डाटा नहीं पेस्ट होगा, कॉलम की विड्थ पेस्ट हो जाएगी, और विड्थ वो जो थी उतनी उतनी सेट हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे सेलेक्ट करके एक को छोटा करना, ऐसे शॉर्टकट बहुत है, हर चीज़ के बहुत शॉर्टकट्स हैं एक्सेल में। तो ये था पेज स्पेशल का ऑल ऑफ फंडा जो के यूज़ होता है। एक स्किप ब्लैंक है जो रह गया है, ये सारे मार्क्स सपोज करो जैसे मैंने इसको एम्प्टी कर लिया, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, पर जो एम्प्टी है वहाँ पे वो सेम रहे, तो यहाँ मैं पेस्ट करूँगा,
ऐसे नहीं करूँगा, पेस्ट स्पेशल पे जाके स्किप ब्लैंक पे करूँगा, ठीक है। तो ये सारा डाटा, ये वाला डाटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, मगर जो ब्लैंक है वो वाला कॉलम सेम रहेगा, 83 रहेगा, ठीक है। ये 83 रहेगा, समझ में आया, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, जैसे ये डाटा मैंने कॉपी किया, दोबारा यहाँ पे पेस्ट करूँगा, सभी मार्क्स यहाँ पे 71.5 हो जाएगा, ये 91 यहाँ पे आ जाएगा, 84 वहाँ पे आएगा, यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए, पर मैं चाहता हूँ ब्लैंक ना आए, जो ऑलरेडी है वो रहे। तो यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल ब्लैंक, स्किप ब्लैंक कर देंगे, मतलब जहाँ पे ब्लैंक है तो वो पेस्ट ना हो, पहले वाला ही रह जाए। यहाँ पे 76 रह जाएगा, बाकी सभी मतलब सेल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 84 यहाँ पे आ जाएगा, 91 यहाँ पे आ जाएगा, 71 आ जाएगा, जो मतलब यहाँ पे खाली, मतलब जहाँ पे डाटा नहीं है वहाँ पे जो ऑलरेडी है वही रह जाएगा। देखो 76 एज इट रह गया, बाकी सारा डाटा सेम हो गया। तो ये तो है स्किप ब्लैंक, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम हेल्पफुल होता है, जो ये ट्रांसपोज है और जो एडिशन है, जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच।